बढ़ते कोरोना मामलों के बीच में राजस्थान से समय की बड़ी खबर है। बता दें, राजस्थान में आज से कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम बंद कर दिया जा रहा है। जी हां, और राजस्थान के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा का ये बयान है। उनका कहना है कि अब जो कोरोना की वैक्सीन की पहली डोज है, अब वो नहीं लग पाएगी क्योंकि पहली डोज ही खत्म हो चुकी है, अब सिर्फ दूसरी डोज लगाई जा रही है। ये स्वास्थ्य मंत्री चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा का बयान है। उन्होंने ये भी कहा है कि दूसरी डोज भी एक दो दिन की ही बची है, यानी कि वो डोज भी जल्द से जल्द समाप्त हो जाएगी। पहली डोज का स्टॉक राजस्थान में खत्म हो चुका है। लगातार बढ़ते मामले, लेकिन वैक्सीनेशन डोज अब नहीं लगेगी राजस्थान में। एक रिपोर्ट देखिए। देश भर में जिस राज्य में सबसे तेजी से कोरोना वैक्सीनेशन का काम हो रहा है, वहां कोरोना के खिलाफ जारी इस सबसे बड़ी मुहिम पर ब्रेक लग सकता है। देश भर में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बीच राजस्थान में वैक्सीनेशन का काम ठप हो सकता है, क्योंकि राजस्थान में वैक्सीनेशन का स्टॉक महज मंगलवार तक के लिए ही उपलब्ध है। हमारे यहाँ मंगलवार तक का वैक्सीनेशन का डोज बाकी था। करीब 2.5 लाख लोग हर रोज उनका वैक्सीनेशन किया जा रहा है, तो मैंने नीति आयोग के सदस्य जो इस काम को देख रहे हैं, डॉक्टर पाल साहब, उनसे भी बात की थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी से भी बात की थी कि हमको इस महीने मार्च के महीने में 60 लाख वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन चाहिए। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्र सरकार से 60 लाख कोरोना वैक्सीन की डोज की मांग की है। उनका दावा है कि सूबे में वैक्सीनेशन के काम को ठीक से जारी रखने के लिए मार्च के महीने में करीब 60 लाख कोरोना के टीकों की जरूरत होगी। भारत सरकार ने 67 लाख लोगों को जो कैटेगरी अभी वैक्सीनेशन की चल रही है, उनके बेनिफिशरी 67 लाख माने हैं, तो उस हिसाब से हमारे पास पर्याप्त डोज नहीं है। दावा किया जा रहा है कि राजस्थान में कोरोना वैक्सीन के करीब 4 लाख टीके ही बचे हैं। ऐसे में वैक्सीनेशन के काम को तेजी से आगे बढ़ाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि वैक्सीनेशन के दौरान करीब 50,000 टीकों के खराब होने की जानकारी भी सामने आई है। राजस्थान में हर रोज करीब 2.5 लाख लोगों को कोरोना के टीके लगाए जा रहे हैं। तेज रफ्तार से जारी टीकाकरण के बीच अब तक करीब 21 लाख लोगों को कोरोना के टीके लगाए जा चुके हैं। अब राज्य सरकार का दावा है कि तमाम कोशिशों के बाद भी कोरोना वैक्सीन के डोज की आपूर्ति पिछले कई दिनों से नहीं हुई है। देश में जारी कोरोना वैक्सीनेशन में राजस्थान की हिस्सेदारी करीब 25% है। सूबे के हर जिले में टीकाकरण के काम ने रफ्तार पकड़ ली है। राजस्थान विधानसभा में भी माननीयों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। जो विधानसभा में जो सदस्यगण हैं, माननीय सदस्यगण हैं, इसके अतिरिक्त यहाँ कार्मिक कार्य कर रहे हैं, इनके अतिरिक्त उनके मदर फादर जो बुजुर्ग लोग हैं, उन सभी का टीकाकरण किया जाएगा। बिल्कुल, जो भी पूर्व विधायक हैं, उनके सीनियर, उनके मदर फादर हैं, उन सबका टीकाकरण किया जाएगा। ऐसे में कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार को बनाए रखने के लिए सूबे में वैक्सीन की सप्लाई को सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। राजस्थान सरकार का दावा है कि उनकी अपील के बाद केंद्र सरकार ने जल्द से जल्द जरूरी तादाद में टीकों की सप्लाई करने का भरोसा दिया है। हालांकि राजस्थान सरकार को भी टीकाकरण के दौरान वैक्सीन की बर्बादी रोकने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे। टीम न्यूज नेशन। और लाल सिंह फौजदार इस समय जयपुर से मेरे सहयोगी मेरे साथ में जुड़े हैं। लाल सिंह, एक तरफ देश भर में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है, कोरोना का डर है, और इस बीच वैक्सीनेशन ही एक सहारा माना जा रहा था, लेकिन वैक्सीनेशन का डोज अब नहीं लग पाएगा राजस्थान में। क्या इसको लेकर कोई एक्शन लिया जा रहा है, क्या और डोजेस की डिमांड की जा रही है? लाल सिंह, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही हो तो जरा जवाब दीजिए। बिल्कुल, राजस्थान के लिहाज से खबर ठीक नहीं है, क्योंकि चिकित्सा मंत्री ने अभी ये बड़ा बयान दिया है कि राजस्थान में पहले डोज की वैक्सीनेशन बंद हो चुकी है, यानी कि राजस्थान में आज से पहले डोज की वैक्सीनेशन नहीं हो रही है। जो राजस्थान कुछ दिनों पहले दावा कर रहा था कि हिंदुस्तान में पहले नंबर के हैं, 25% हिंदुस्तान में वैक्सीनेशन राजस्थान से।
बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर अब ये संकट जरूर बढ़ रहा है। जानकारी के लिए लाल सिंह फौजदार आपका शुक्रिया। तो जिस तरह से यहाँ पर लगातार मामले बढ़ रहे हैं, एक तरफ ये जरूर कहा जा सकता है कि अब ये बात चिंता बढ़ाने वाली है।